अभी भी पता क्या कह रहे हैं, ये फेम लेना चाह रहा है। और 2.5 घंटे दी फिल्म आ रहे मेरे को, 2.5 घंटे दिया। जो गैंग वॉर के मुतलका बंदा हैंडलर या गैंग वॉर वाला पकड़ा गया ना, उसको सरेआम गोलियां मारे कि आया ये आप सुलह में कामयाब हो जाएंगे। अगर मैं एक एक मैसेज कैसर बट का जियो पे भेजू ना, तो इतने इतने पैसे देते हैं। अंदर ना ये मेरे मोबाइल के अंदर 2.5 घंटे के डाटे पड़े हैं। मैं तीफी भट्ट साहब, मैं फैसल कामरान साहब को मैंने कहा है, मैंने आईजी साहब को कहा है, मैंने डीएजी है बिलाल सदीक कमियाना, मैंने प्रोग्राम्स किसी नहीं कहना, दफ्तरों में नहीं जा कहना, मैंने इनको कहा है, इस वक्त इतने परेशान हुए, मैंने होना भी चाहिए। पुराने जो अफसर है फटे हुए ब्लेडर जो है जी, मेरी नजर में रिटायर पुलिस ऑफिसर फटा ब्लेडर होता है। अच्छा। इसकी कोई वैल्यू, इसको कोई इसको उधार नहीं को देता, ये रियलिटी है। ये सब रिटायर पुलिस ऑफिसर मानेंगे, उनको बुलाकर मीटिंग्स की जा रही है कि आपने दहाइयों में जाना गैंग्स वॉर देखी है, शहर का नक्शा मन देखा हुआ है, आप हमें गाइड करें, हम क्या करेंगे। इन सारों को एक साइड में उठाए। अब मुल्तान हां जो है ना, मुल्तान हां वो स्पेशली इसका मैं नाम इसे लेता हूँ, पद है, पेंड है, यल्ला है, रिटायर एसपी है। अच्छा। अब आप उससे मशवरा लें गैंग वॉर को कैसे कंट्रोल किया। इससे पहले उसे को मेरा नाम है अब्दुल गुलू के पंगा फान, ये सेफ करो। अच्छा। अगर वो मोबाइल के अंदर अब्दुल गुलू के पंगा फान की स्पेलिंग लिख कर सेफ कर ले, फिर आप उससे मशवरा ले लो। सही। और ये जिस दौर के पुलिस वाले हैं, हुक्कों का दौर था। मुल्तान ने एक सिगरेट अंदर मंगवा था, काश लगा लेता एक सिगरेट का, बड़ा पब्लिक, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, ये लोग जो है ना इनसे क्या मशवरे ले रहे हैं। इन सबको एक साइड में बिठाया और सीसीपीओ साहब जो है बिलाल सदीक मैं मुझे टेबल पे बिठा ले, चार बातें इनको बताऊंगा लाहौर का मन हो जाएगा। पहली, यूट्यूबरों की छतरोल। अच्छा। दूसरा, जो गैंग वॉर के मुतलका बंदा हैंडलर या गैंग वॉर वाला पकड़ा गया ना, उसको सरेआम गोलियां मारे। सही। सीसीटीवी भी कैमरों में गोलियां मारे ताकि लोग उसकी मौत का मंजर देखें। तीसरा, जुडिशियल सिस्टम को जाना मजबूत बनाने के लिए, जिस बंदे पे एफआईआर दर्ज हो एंड तक सजा हो। सही। और चौथा, समन जो होते हैं, किसी बंदे को समन जाते हैं जी, पुलिस वाले समन भेजते हैं, बुलवाते हैं, वो पता लगता है पिंडी गया, पुलिस अगले दिन भेज देते हैं समन, व्हाट इज दिस, वो एक फोर्स है ऑपरेशनल। समन करने वाले को या वो समन वाला मर गया तमिल नहीं हुई, या समन वाला मुल्क से बाहर है तस्दीक हो गई, तो या जो है ना समन जिसको गए हैं वो बंदा जो है ना उसे जो है उसकी तमिल कर दी है कि मैं कल हाजिर हूंगा। चौथी सूरत कोई नहीं है। अच्छा। फिर देखिए सारे काम सीधे होते हैं, नहीं होते हैं। सर इस पे मैं एक बात करता चलूं आपसे कि आपने कहा यूट्यूबर को जो है छितर मारे, सर यूट्यूबर आप पे तनकीद करेंगे, उनकी डेफिनेशन उनको कर दे जरा। देखो मेरी बात सुनो, आपको इस बात को तो बुरा मानने नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। उसकी रीजन मैं मुझे भी नहीं मान, मैं नहीं, मैं यूट्यूबर नहीं, बिल्कुल 100% तो मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूबरों को छितर मारे, सीनियर यूट्यूबर सबको मार देने। अब देखे हम लोगों को लोग कहते हैं यूट्यूबर जो है ना, मैं इसकी बात मैंने क्यों की है, हम कंगले तरीन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रख रहे हैं, हमारा वारस कोई नहीं है, कोई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूट्यूबर्स का है प्रेस क्लब, मुझे आप बताएं, हमारे अगर को पकड़ के छितर मारता कोई पीछे बोलने वाली कम्युनिटी है, हम कंगले हैं। कैसे कंगले हैं हम? 32 अरब रुपए की केबल बिछाई गई हमारे लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बिछाई गई ना केबल। इन कंगलों ने क्या अपनी वकालत बना ली है? ये कहते हैं शहर में बम चलने लगा है, थोड़ी देर बाद कहते हैं ये 2 मिनट रह गए हैं, फिर से कहते हैं 7 मिनट रह गए, बाद में कहते हैं किसी ने गलत खबर दे दी थी, इतने पे कह रहे थे ये। इनको जो है ना देखो, इन कंगलों के लिए 32 अरब रुपए की केबल बिछा दी है, और इनकी 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 है नहीं टीम, कोई नहीं पीछे सरपरस्ती, इनका कोई नहीं है, ऐसे ही है। अपनी बात को अंडरस्टैंड कर, 32 अरब रुपए खा गए ये कंगले। अच्छा। तो इन कंगलों का हल पता क्या था? ये 32 अरब रुपए केबल मुझे छोड़ेंगे सारा कुछ। हाँ। मुझे बाख्तियार कर दे, आप देखेंगे केबल की जरूरत, केबल पुट लो। अच्छा। और ये जो केबल भी बिछ रहे हैं बाद में पता लगे जमाला केबल है। अच्छा। ये देख लीजिए जैसे ये सीसीटीवी कैमरों की केबल है, जमाला केबल, डोगर कैमरे जी। अब ये पूछे, हॉलैंड के अंदर एक कैमरा खराब हुआ है, उस कैमरे के खराब होने के बाद जो है ना हॉलैंड में वक्त बढ़ गया, उन्होंने $3 करोड़ का कंपनी को जो है ना हर्जाना किया कि कैमरा कैसे खराब हो गया। मैंने मोहतरम आई जी मोहतरम जो है ना मियां डॉक्टर उस्मान बड़े भाई हैं, मैं तो उनको हमेशा बड़े भाई उधर कहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे कंगले बंदे को जिसको जानते क्यों नहीं है, उन्होंने मुझे एक मैसेज कर दिया, प्यार भरा, आपका चैनल बड़ा अच्छा है, बड़े शौक से देखता हूँ, मैं वॉशरूम में जाकर भी देख रहा हूँ, कभी मैं किचन में सुना रहा हूँ, कभी कोई आ रहा मैं बता रहा हूँ, देखे आई जी साहब मुझे क्या कहा, यानी इतने बड़े वो अफसर है ना। मैंने कल उनसे ना बड़ी मुद्दबाना गुजारी, मैंने सर बड़े भाई हैं आप, इतने प्यारे टिकटॉक सुना दें, लोग आपको बड़ा लाइक कर रहे, ट्रोलिंग भी करते, वो तो होती है। मैंने कहा सर आप अगर शहीगले की सीढ़ी में बैठ जाए, बड़े प्यार से ऐसे बैठे सांस ले गए, देखो शहरी हो, क्योंकि वो इनका मुतलका काम नहीं, इनको कहने में अर्जी भी हो रही है, कहें कि मैंने कहा है हमेशा सेफ सिटी लाहौर, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कितने कितने सेफ सिटी लाहौर, कितने कितने देखे ना, घर से आप निकलते हैं ट्रैफिक का दबाव चेक करने के लिए बटन दबाते हैं मैप आ जाता है, आप कहते हैं मैंने हंजरवाल जाना, मैप अपने ट्रैफिक के दबाव की जगह छोड़ के निकलते हैं, आराम से पहुंच जाते हैं। मैंने कहा हम कंगले हैं,
हम नांगे हैं, हम घटिया गांव में गरीब है, गुर्बत की चक्की में पिस गए हैं, हम रोटी पानी में भिगो के खा लेंगे, हमारी इज्जत और जानो माल का तहफ्फुज़ दे दें, वो कैसे हो सकता है? हम एक मैप दे दें, कुछ भी ना करें, कोई खर्चा नहीं है, हम बटन दबाएं, हमें पता लग जाए ये सेफ सिटी पे चलने वाला रास्ता है, यहाँ से ब्रांथर रोड जाने के लिए मैं वो रास्ता टॉप करूं, जहाँ पे कैमरे बंद हैं वो कितने कितने सेफ सिटी ऐसे उधर नहीं जाएंगे। अब इसमें कोई पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, घर बैठे एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मेरी गुजारिश है, हमारे यहाँ पे जो है फॉरनर लुट गया है, उसको डॉल्फिन वालों ने लूटा है, वो पता नहीं लगा आसमान से है जमीन से निकले, वो गायब हो गए। तो जहां पे हमें ये नारे के पीछे रखा हुआ ना, हमें आप ये बता दें, हम अपनी आंखें खोल कर चले, हमें ये पता होता है हम सेफ सिटी में फिर रहे हैं, लेकिन ये सेफ सिटी नहीं, कितने कितने सेफ सिटी है, तो ये बता दें हमें। सर जो सब आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आया ये आप सुलह में कामयाब हो जाएंगे, जो आपका जज्बा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है अगले चंद घंटों में या कल ही सुलह होने को नजर आ रही है। उस समय अदनान एक चीज आपको बताऊं, आप इतने प्यारे भाई हैं ना, आपने हमेशा ठीक है आप मेरी वीडियो तो लगाते हैं, पर अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये लाहौरी चैनल जो है आपका है, मैं चर्चा लाहौरी ये आपका चैनल है, तो मैं कहता हूँ मेरा है, क्योंकि ज्यादा वीडियो इस पर मेरी लगी, बिल्कुल ऐसी है। आपने जिस प्यारे खूबसूरत अंदाज से ये कहा है ना, मुझे ये पता है आपने आज तक जब भी ये कह रहे हैं शायद वो पटिशन आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने वो काम कर दिया, ये आपके अंदर जो मोहब्बत है ना मेरी वो है। अगर ये कौम सिर्फ ट्रोलिंग नीचे ना करे, अभी भी पता क्या कह रहे हैं, ये फेम लेना चाह रहा है, ओए ढाई घंटे दी फिल्मा ने मेरे को ढाई घंटे दिया, मेरे पास कैसर बट के 20 मैसेज पड़े हुए ऑडियो, जो मैंने कैसर भाई को कहा कैसर बट साहब बन के मैसेज नहीं करने, कैसर भाई बन के करें, मैं अगर कटिंग करूंगा तो मैसेज का मजा नहीं आएगा, अगर मैं एक एक मैसेज कैसर बट का जियो पे भेजू ना तो इतने इतने पैसे देते हैं, मैं शोहरत का भूखा हूं तो आप लोगों को जो है ना आप लोगों को हिलाकर रख दूं, अनारकी क्या होती है आपको मैं बताऊं, मुझे खुदा इस मुनाफ़क़त से जो है ना बचा के रखे, मेरे मोबाइल के अंदर ना, ये मेरे मोबाइल के अंदर ढाई घंटे के डाटे पड़े हैं लतीफ़ी भट्ट साहब के वीडियो कॉल्स, जिसमें अपनी मोहब्बत का और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं, कैसर बट के मैसेजेस पड़े हुए हैं, यारों मुझे भाई समझते हैं, मुझे लतीफ़ी भट्ट साहब ने कहा कि शाहिद भाई जी थे रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं दस दिया करो, लेकिन इस तरह धोखा नहीं देना, क्या मैं उस बंदे के साथ धोखा कर दूं, बाद का एतमाद में बंदा को अपनी प्राइवेट बातें भी कर जाता है, शोहरत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कभी कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कभी नहीं कहूँगा, भीख नहीं कभी मांगी, टैलेंट के साथ ऊपर आऊंगा। सर एक और बात के कुछ लोग जो नाजरीन हैं देखने वाले, कुछ अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि शाहिद चौधरी साहब ये फेम लेने के लिए या अपने आप को बूस्ट करने के लिए ये सुलह वाली बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे उन नाजरीन को? इसे मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं है, ऐसी बातें तो लोग करते हैं, ये बातें बुरी और बुरा मानने वाली नहीं है, महसूस अगर आपको होता है तो बिल्कुल आप लिखे, इससे हमारे इरादे और मजबूत होंगे। सर अच्छा जो साहब आपसे एक और बात पूछूं, आज आपने दोनों ही शेविंग की हुई है? एक तो नहीं की, दूसरी आप लोगों को दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन दें अगले प्रोग्राम तक इजाजत, और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि शाहिद भाई शाहिद चौधरी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दो फैमिलियों को आपस में सुलह सफाई से बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक अमन की जो शांति है वो लेके आना चाह रहे हैं कि कत्लो गारत जो हो रहा है ये बंद हो जाए, और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि जिस मकसद में शाहिद चौधरी साहब लगे हुए हैं सुलह वाले मकसद में, अल्लाह ताला इनको इस मकसद में कामयाब करे, और मुझे दें अगले प्रोग्राम तक इजाजत, कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज़।